हिमाचल रिपोर्ट के प्रायोजक हैं। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स प्रेपरेशन। शिमला में पानी को लेकर हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि भाजपा के अपने ही पार्षदों ने सरकार और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, जो कि बेन मोर वार्ड में आता है, वहां की पार्षद किमी सुद सहित लोग धरने पर बैठ गए। ये मामला शांत हुआ ही था कि नगर निगम ऑफिस शिमला के बाहर भाजपा की पार्षद आरती और कमलेश अनशन पर बैठ गई। बाद में डिप्टी मेयर के कहने पर दोनों पार्षद उठ गई। भाजपा पार्षद आरती का कहना है कि मेयर उनको मुसीबत में छोड़कर खुद चीन भाग गई हैं। उन्हें अब लोगों को जवाब देना मुश्किल हो गया है। लोग पानी की समस्या को लेकर अब मारने पड़ रहे हैं। जब तक उनके वार्ड में पानी नहीं दिया जाता, वे पीछे हटने वाली नहीं है। शिमला में पानी के प्रबंधन की कमी के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। इतनी है कि 10 दिन से पानी नहीं आया, बिल्कुल घर में बूंद तक पानी नहीं है। और हमारे तो प्रॉब्लम इतनी है कि टैंकर भी आएगा, अगर टैंकर में भी लाइनें लगी है, टोकन मिलते हैं उसमें भी, कि नंबर मिलते हैं उसमें भी, एक बाल्टी लेनी है तो कितनी प्रॉब्लम है, सब लाइनों में लगे हुए हैं। और टैंकर भी आएगा तो नीचे जाना भी मुश्किल, और टैंकर भी नहीं आते हैं यहाँ पे पानी की, इतनी समस्या है 10 दिन से। और जगह सारे, कई जगह खुल रहा है, कहीं 2 घंटे भी खुल रहा है, कहीं बिल्कुल पानी नहीं है। या तो सारी जगह एक पूरे डाइवर्सन ऐसी होनी चाहिए भी सारी जगह एक जैसा पानी हो, 1 घंटा तो 1 घंटा, आधा घंटा है तो आधा घंटा, नहीं है तो कहीं भी नहीं है पानी। तो जब से MC बीजेपी आई है तब से ये चल रहा है कि वार्ड में ठीक ढंग से पानी का नहीं चल रहा है। एक चीज बताऊँ मैं आपको, और इसमें कीमैन की भी गलती है, हमारे काउंसलर की भी नेग्लिजेंसी है, जबकि वाटर जो बेसिक एमिनिटी है उसके बावजूद भी 10-12 दिन तक पानी नहीं आ रहा है किसी का। और हाँ, ये पार्शलिटी भी हो रही है, बीच बीच में कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा है, वो टोटली पार्शलिटी हो रही है हम लोगों के साथ। शिमला में पानी के प्रबंधन की कमी के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। उधर पानी को लेकर आज भी चक्का जाम का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने कालका शिमला NH5 चक्का जाम कर बंद कर दिया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। शिमला के चक्कर में भी पानी न मिलने की वजह से लोगों ने सड़क जाम कर दी। लोगों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से पानी नहीं आ रहा, जो पानी टैंकरों से आ रहा है उसके लिए भी उन्हें घंटों टोकन लेकर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। लोगों ने पानी के वितरण में खामियों का आरोप भी लगाया। कल यहाँ पर जेई आया, SDM आया, कमिश्नर आया, कमिश्नर का पता नहीं कहाँ है, जेई था वो भी आया, जो कि ऑर्डर हुए थे कि हर की मैन के साथ जेई होगा, माना जेई आया। क्या हुआ कि जेई ने सिर्फ 10 मिनट के लिए 12 दिन में पानी खोला और उसको बंद करा। बंद करने के बाद फिर मैंने जेई को बोला कि ये क्या हरकत है, अगर पानी देना है तो पूरा दो, सारों को दो, सबके साथ एक बराबर रहो। लेकिन नहीं, उसने नहीं सुनी। उसने कहा, मैंने कहा ना तो यहाँ टैंकर आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, किस बात की देती है। की मैन भी साथ था, की मैन से पूछो कि कहीं इधर पानी दे रहा, कहीं उधर पानी दे रहा, क्या हरकत है ये, पानी क्यों नहीं है, कभी किसी के पानी है, किसी घर में पानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV, शिमला। CM जयराम ठाकुर ने कहा है कि शिमला में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा से पानी के टैंकर शिमला लाए जा रहे हैं, और यह राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों से भी संभव हो रहा है। सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में CM जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला में पानी की किल्लत को लेकर सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वे खुद इसकी रोजाना शाम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और नालागढ़ से टैंकरों के माध्यम से पानी शिमला पहुँचाया जा रहा है। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पड़ोसी राज्य हरियाणा से प्रदेश के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई मंगवाई। यह सप्लाई शिमला पहुंचना शुरू हो चुकी है और लोगों को पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कम बर्फबारी और बारिश के कारण यह समस्या पेश आ रही है, लेकिन बारिश होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। कि संकट से निपटने के लिए हमने बिलासपुर से, सिरमौर से, सोलन से टैंकर, और यहाँ तक के नालागढ़ से भी, और इसके साथ साथ में
मुझे इस बात की खुशी है, हमने कल राज्यपाल महोदय जी से भी जब बात की, उन्होंने भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की दृष्टि से हरियाणा से पानी के टैंकर जो है शिमला के लिए वाटर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए चलाने के लिए उन्हें सहयोग देने की बात कुछ लोगों से की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम उस सारी स्थिति को संभालने की स्थिति में हो जाएंगे, और जैसे ही बारिश होती है उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि जितना अब की बार जो प्रयत्न पानी की स्कीम को ठीक प्रकार से पानी की कमी को मॉनिटर करने की दृष्टि से शिमला में काम हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और मैं खुद हर शाम को जो है वहां पर मॉनिटरिंग करता हूं सारे अधिकारियों की बैठक लेकर के, ताकि शिमला में किसी को असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, मंडी। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल शिकारी देवी के लिए हेली टैक्सी की सेवाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। यह ऐलान उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र में कुथा में जारी जिला स्तरीय मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए किया। सीएम ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन की बात आती है तो जंजहली के जिक्र के बिना यह बात अधूरी रह जाती है। उन्होंने कहा कि शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यहां आने वाले पर्यटकों को हेली टैक्सी की सुविधा मिले, इस दिशा में जल्द प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 4 जून से प्रदेश में हेली टैक्सी की सुविधा शुरू होने जा रही है और 2 महीनों के भीतर इस सेवा का विस्तार कर दिया जाएगा। प्रदेश के अन्य प्रमुख स्थानों को भी इस सुविधा के साथ जोड़ा जाएगा। जयराम ठाकुर ने जंजहली में लोक निर्माण विभाग का डिवीजन कार्यालय खोलने का ऐलान भी किया। इससे क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में तेजी आएगी और विकास आगे बढ़ेगा। हम 4 तारीख को शुरुआत कर रहे हैं। 4 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश में आज तक हेली टैक्सी की शुरुआत नहीं हो रही है। मैं 4 तारीख से शुरू कर रहा हूँ शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद जो है उसके बाद 2 महीने के बाद जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम तय करेंगे हिमाचल प्रदेश में, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से टूरिस्ट आएंगे मनाली से रोहतांग, और हम कोशिश ये भी करेंगे आने वाले समय में अगर हमारा वो सारी प्रक्रिया टेंडर की प्रक्रिया सारी प्रोसेस कंप्लीट जल्दी हो जाती है तो हम शिकारी माता को भी उसके साथ जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। और अंत में एक बात मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं, जिस एक बड़ी बात को लेकर के आप लोगों ने जो बात कही कि हमारे पास पीडब्ल्यू का डिवीजन नहीं है, तो मैं आज जंजहली में पीडब्ल्यू का डिवीजन देने की दिल्ली का घोषणा करता हूं। और उसके बाद काफी बातें उसके बाद जंजहली में आकर के हम युद्ध करते रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अपने दिन रात एक किए हैं। 5 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने 40 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है और अब वे चंबा जिले के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे रात 2 बजे तक काम करते हैं और जितना संभव हो सके लोगों के फोन सुनने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन अधिक समय फोन सुनना संभव नहीं है क्योंकि उनका सारा समय पहले से निर्धारित होता है। उन्होंने स्वराज के लोगों से आह्वान किया है कि जो दायित्व उन्हें बतौर सीएम मिला है उसमें वे भी अपनी भागीदारी निभाएं। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने जंजहली और इसके आसपास सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए देने का ऐलान भी किया। उन्होंने रेस्ट हाउस, स्कूलों के साइंस ब्लॉक और अन्य विकास कार्यों के लिए भी पैसे देने की घोषणाएं की। आज मुझे लगभग 5 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन मैंने हिमाचल प्रदेश की 40 विधानसभा को इन 5 महीने में जो है कवर कर लिया पूरे हिमाचल प्रदेश में। कल से मेरा टूर जो है, एक जिला मेरे से चंबा छूटा था, कल से मैं चंबा जिला के 2 दिन के दौरे पर जा रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री बनने के पश्चात भी कोई फोन बंद नहीं करता हूं, जितना सुन सकता हूं सुनने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर फोन ही सुनूंगा तो प्रदेश का काम कैसे करेंगे। हर जगह एक एक मिनट बांध कर रखा होता है, 1 मिनट की मीटिंग, 10 मिनट की मीटिंग, ये खत्म हुई अगली मीटिंग शुरू, अगली मीटिंग खत्म हुई तो अगली शुरू। और सच्ची बात कहूं मैं, जब से जिम्मेवारी में तो 12 बजे के बाद में सुतो रास्ता था, एक ही बजते दो ही सामने बैग तेरी भी पूजे के लोग उठा भी घोड़ा उठ के सुतर तू। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, मंडी। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 में की थी।
पूरी दुनिया में हर साल लगभग 60 लाख लोग तंबाकू के प्रयोग के कारण मारे जाते हैं। इसीलिए इस दिन को मनाने के पीछे का ध्येय यही है कि आम जनता तंबाकू से होने वाले नुकसान को जाने और तंबाकू से बने पदार्थों से दूर रहे। इसी कड़ी में तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमीरपुर जिला में भी स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैलियां निकालकर जनता को जागरूक किया। इस जागरूकता रैली में अलमाइटी पब्लिक स्कूल, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने हाथों में स्लोगन की पट्टियां लेकर और नारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। रैली के दौरान बच्चों ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि तंबाकू एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलता है। बच्चों ने कहा कि लोग जाने अनजाने शौक के लिए तंबाकू उत्पादों का सेवन करते रहते हैं और धीरे धीरे शौक उनकी लत में परिवर्तित हो जाता है। निकाल रहे अपनी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए ताकि वो टबैको का यूज करना बंद कर दे। आज हम रैली सबसे पहले गांधी चौक से भोटा चौक तक निकालेंगे एंड उसके बाद हम लोग अणु मार्केट में निकालेंगे। टेक अ रैली ऑन 31st May 2018 ऑन एंटी टबैको अवेयरनेस फॉर द पीपल, डोंट यूज एंड अवॉइड टबैको। सर आज हम रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आज 31 डेट है और हम मतलब हमारा देश मतलब नशे में पड़ चुका है, इसलिए हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं ताकि पूरी दुनिया तक ये पता चल सके कि नशा एक बहुत गलत चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि मतलब सेहत के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए हम आज ये रैली निकाल रहे हैं। हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है, इससे हमारा पूरा इंडिया पॉल्यूट हो रहा है। और स्टॉप स्मोकिंग बिफोर द स्मोकिंग स्टॉप्स यू। हमें अब नशा नहीं करना चाहिए, हमारे देश में जो नशा हो रहा है हमें उसे रोकना चाहिए, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश में नशा अलग प्रकार से कई प्रकार से हो रहा है, परंतु हमें अपने देश के जो नशा हो रहा है हमें उसे रोकना चाहिए क्योंकि नशा हमें धीरे धीरे खा रहा है। आजकल कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि स्मोकिंग करना बड़ी शान की बात है, छोटे बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं और सोचते हैं पत्नी वो कौन सा बड़ा काम करे, पर ऐसा नहीं है। स्मोकिंग जो है वो धीरे धीरे हमारे लंग्स को खराब करती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। और आई वांट टू अलर्ट ऑल ऑफ यू दैट द एंटी टबैको डे इज द बेस्ट डे फॉर टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ यू एंड दिस डे टेल्स अस अबाउट दैट व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वेंट टू। एंटी टबैको डे वी सेलिब्रेट इट फॉर द स्टॉपेज ऑफ द ड्रग्स एंड ऑल द क्राइम्स विच आर बी डन बाय द पीपल्स अबाउट द ड्रग्स। 31 मई है जिस दिन हम एंटी टबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारे स्कूल गुरुकुल ने तय किया है कि हम रैली करेंगे जिससे पूरे भारतवर्ष के युवाओं को ये संदेश पहुंच सके कि तंबाकू और ये सब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे ये हानिकारक होता है जीवन के लिए और जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये हमारी जान भी ले सकता है, इसीलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौके पर बच्चों के साथ आए अध्यापकों ने भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अपने विचार साझा किए। जितनी भी हमारी जनरेशन है बहुत इजीली अडॉप्ट कर ले रही है जितनी भी हमारी ये नशे की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें अवेयर करना है कि वो इन चीजों को अडॉप्ट ना करें। अगर इससे पहले कि नशा जो है वो आपका जीवन छोड़ दे, इससे पहले कि हमें नशे को छोड़ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। सीएम जयराम ठाकुर ने आईआईटी मंडी में जारी गोलमाल पर कड़ा संज्ञान लिया है। पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी उन्होंने मांगी है ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आईआईटी पर राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन इस संदर्भ में केंद्र से मामला उठाकर पूरी जाँच करवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईआईटी जैसे संस्थान में किसी भी तरह का गोलमाल नहीं होने दिया जाएगा और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें पहले आईआईटी के कर्मचारी सुजीत स्वामी ने मीडिया में आकर प्रबंधन पर चहेतों को लाभ पहुंचाने और मनमानी करने का आरोप लगाए और उसके बाद एक अधिकारी कर्नल देवांग नाइक ने इन आरोपों का समर्थन किया। हालांकि सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी इस मामले में सीवीसी की जांच करवाने के आदेश दिए हैं और वह कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर वे आगामी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई की बात कही है। हमारी थोड़ी सी इस बात को लेकर इतना जरूर है कि वो सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। आईआईटी एक केंद्र सरकार का संस्थान है, लेकिन उसके बावजूद अगर वहां पर अनियमितताएं हो रही हैं वो सारी चीज की जानकारी हमने मांगी भी है। हम केंद्र सरकार में मंत्री को इस सिलसिले में बात करेंगे, जांच करेंगे और जो दोषियों की कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, मंडी।
सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में पूर्व कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुई, लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने सत्ता हासिल की तो जनता को हर रोज हर योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ। जम्वाल का कहना है कि अभी प्रदेश की जयराम सरकार के 5 महीने ही पूरे हुए हैं, लेकिन विकास करवाने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 46,000 करोड़ का कर्ज लेकर प्रदेश की रफ्तार पटरी पर लाई, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने सत्ता में आते ही प्रदेश को इस संकट से उबारा और विकास को गति दी। उन्होंने कहा कि अपने पहले ही बजट में सीएम जयराम ठाकुर ने बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा 80 से घटाकर 70 वर्ष करके प्रदेश के लगभग 1,30,000 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया और बजट में पहली बार गौ सदन खोलने और उनके रखरखाव के लिए 1% सेस शराब की बोतल पर लगाया गया, जो प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए बाड़बंदी प्रदेश सरकार अनुदान देकर करवाएगी। इसके अंतर्गत 80% अनुदान सरकार और मात्र 20% राशि का भुगतान मालिक के द्वारा किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी जो हार का सदमा हमारे मित्रों के दिमाग से नहीं उतरा है, नीरी के लिए ITI दी गई ये पुरानी योजना है, डहर कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए पुरानी योजना है, MLSM कॉलेज के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के माध्यम से 11 करोड़ रुपए की लागत से भवन बन रहा है कि ये पुरानी योजना है, क्या सुंदरनगर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली पार्किंग हो रही है वो क्या पुरानी योजना है, सुंदरनगर में फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे क्या पुरानी योजनाएं हैं, इस प्रकार से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 50 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए क्या पुरानी योजना है, सलापड़ एट कांगू PWD का सब डिवीजन दिया गया क्या ये पुरानी योजना है, सुंदरनगर में सीवरेज का सेक्शन नया मंजूर 5 महीने में हो क्या ये पुरानी योजना है। मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्र हम अपना संतुलन खो चुके हैं, हार का सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि वो अभी थोड़ा समय इंतजार करें, विपक्ष को अधिकार रहता है कि वो सत्ता पक्ष से हिसाब मांगे, लेकिन 5 महीने का भी मात्र समय हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV, सुंदरनगर। सेंट मैरी स्कूल सुंदरनगर का 10वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा, जिसमें विंद्रा कोहली ने 97% अंक हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया। अदिति ठाकुर ने 96.4% अंक हासिल करके दूसरा स्थान, क्षितिज रुड़की ने 95.8% अंक लेकर तीसरा स्थान पाया। 30 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। वहीं सेंट मैरी स्कूल सुंदरनगर का 12वीं का परिणाम 100% रहा, जिसमें आदर्श गुप्ता ने 94.4% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, दीपांशु शर्मा ने 94% अंक प्राप्त कर दूसरा और भाविका महाजन ने 93.8% अंक पाकर तीसरा स्थान हासिल किया। सेंट मार्क्स लिए हैं और मैं सेंट मेरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी सक्सेस के पीछे मेरे स्कूल, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट दिया है ताकि मैं इस सक्सेस को हासिल कर पाऊँ। मेरा नाम अंशिता वर्मा है, मैंने 94% मार्क्स लिए हैं और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा मुझे मतलब गुप्ता हूँ, मैं सेंट मेरीज में पढ़ती हूँ। मेरी 10th क्लास में 94.8% मार्क्स आए हैं। मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ और साथ ही कोई और चीज़ है जिसे मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं संभव गोयल हूँ, मैंने 10th बोर्ड में 94.6% स्कोर किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स, पेरेंट्स, फादर, सिस्टर और सभी जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको देना चाहता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि स्कूल में हमेशा हमें प्रेजेंट रहना चाहिए, कभी भी क्लासेस बंक करना या किसी और के ऊपर ध्यान देना, इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। मेरा नाम विजित मारवा। विद्यालय की शानदार सफलता पर स्कूल के प्रबंधक फादर एंटनी सोलोमन तथा स्कूल के प्रधानाचार्य सिस्टर धान्या और शिमला चंडीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी ने बच्चों, अभिभावकों और स्कूल के अध्यापकों को बधाई दी है ताकि बच्चों को भविष्य में इसी तरह मेहनत करने की प्रेरणा मिल सके। आता हूँ क्योंकि हमारे इस साल पहले सालों की तरह से बहुत अच्छा ये रिजल्ट हुआ है। इस
साल भी प्रतिशत प्रतिशत दोनों 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट हुआ है और इस बार 10वीं क्लास के 30 से ज़्यादा बच्चे हमारे 90% से ज़्यादा मार्क लिए हैं वो 10वीं क्लास में। और ये 10वीं क्लास का टॉपर है वृंदा कोहली, 97% उन्होंने लिया है और बाकी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 90 से ऊपर लिया है। 12वीं क्लास में ऐसा ही है, आदर्श गुप्ता जो 94.4% जो इस साल में लिया है, ऐसे ही बहुत बच्चे 90 से ऊपर और 80 से ऊपर बहुत लिया है। ये सब बातें और ये सब अच्छे रिजल्ट हमारे बच्चों के मेहनत की वजह से और उनके पेरेंट्स हैं जो उनको बहुत अच्छे सहयोग दिए हैं और उन्हें बहुत मोटिवेट किए हैं, एनकरेज किए हैं और हमारे टीचर्स बहुत हार्ड वर्क किए हैं। इस अवसर पर मैं सिस्टर रोसलिन जो हमारे पहले प्रिंसिपल रही हैं वो बहुत मेहनत किए हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल सेन मेरी स्कूल सुंदरनगर एंड दिस इज़ द टाइम आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स द 10th क्लास एंड प्लस टू स्टूडेंट्स. They got a very good marks in their board examination and 10th class they scored 97% and plus 2 they got 94.6 and all the students they are very cooperative and they are always ready to follow the instructions. Bureau Report, Polestar TV, Sundanagar.